क्या आपने कभी सुना है लोगों के कहते हुए कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना मतलब सट्टे में पैसा लगाना है या जुए में पैसा लगाना है? जब वो बात कर रहे हैं सट्टे की या जुए की, हेलो एंड नमस्ते पेचेक टू, मैं हूं मनीष आहुजा और यह है पेचेक टू प्रॉफिट इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो डेडिकेटेड है आपके ही फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। इस चैनल पर मैं वीडियोज बनाता हूँ 4th, 14th और 24th तारीख को, और ये सारे वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैं अपलोड करता हूँ ताकि अगर आप किसी भी भाषा के साथ कंफर्टेबल हो तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखकर समझ सकें। इस चैनल के सारे वीडियोस कनेक्टेड होंगे आपके पैसों के साथ, फाइनेंसेस के साथ, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप अपने पैसों को कैसे बजट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती क्या है, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, ऐसी सारी चीज़ें जो आपको स्कूल या कॉलेज में सिखानी चाहिए थी पैसों के बारे में, लेकिन क्या करें अब नहीं सिखाते तो कहीं ना कहीं से तो सीखना ही पड़ेगा, तो YouTube ही सही। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो ये वीडियो को देखने के लिए और ना कि कोई कॉमेडी वीडियो या कोई इंटरव्यू नहीं देख रहे हो या कोई गेमिंग वीडियो नहीं देख रहे हो YouTube पे, क्योंकि ये मुझे बताता है कि आप अपने लाइफ के बारे में, अपने पैसों के बारे में, अपने ग्रोथ के बारे में बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो। इसी एटीट्यूड को कंटिन्यू रखिए ताकि आपको आगे जाके अपने पैसों को अच्छी तरह से मैनेज करने में मदद मिल सके। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि अगर आपको कभी भी हमारे जब नए वीडियोज आए तो नोटिफिकेशन आ सके। आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो आइडियली हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन उसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। ये सुनने में थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये ऐसा क्या है। मैं बात कर रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है और ये क्यों हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। अनुमान लगाइए एक इन्वेस्टर या ट्रेडर के बारे में जो सुबह सुबह 10 रुपए में एक शेयर खरीदता है और 12 रुपए में शाम को ये शेयर बेच देता है, तो उस जो 2 रुपए का फर्क हुआ वो उस ट्रेडर का प्रॉफिट होता है। यहाँ समझ लीजिए सुबह सुबह जब मार्केट शुरू होते हैं और एक शेयर की प्राइस है 14 रुपए और इस ट्रेडर को पता है कि ये शेयर 14 रुपए का नहीं, इसकी वैल्यू समझ लीजिए 10 या 11 रुपए की होने वाली है, तो ये सुबह सुबह ये शेयर 14 रुपए में बेच देता है और पूरा दिन खत्म होने के पहले उसे 10 या 11 रुपए में खरीद कर इस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करता है। स्क्वायर ऑफ करना मतलब अगर आपने सुबह को 10 शेयर बेचे हैं तो शाम तक आपको 10 शेयर खरीदने हैं, अगर आपने सुबह को 10 शेयर खरीदे हैं तो आपको शाम तक 10 शेयर बेचने ही होंगे, क्योंकि ये जितनी भी ट्रेडिंग है सेम दिन पे हो रही है और सेम नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में हो रही है और दोनों शेयर्स के खरीदने और बेचने के प्राइस के डिफरेंस की बात हो रही है, इसके लिए इस पूरे ट्रांजैक्शन को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये क्यों ये इंट्राडे ट्रेडिंग हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए, क्या है इस इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जो आपको पता होना चाहिए? क्या आपने कभी सुना है लोगों के कहते हुए कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना मतलब सट्टे में पैसा लगाना है या जुए में पैसा लगाना है? जब वो बात कर रहे हैं सट्टे की या जुए की, तब वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहे, वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स जब शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उसमें रिस्क ज़रूर होता है, मैं ये नहीं कहूँगा रिस्क नहीं होता है, लेकिन अच्छी कंपनियों में बैलेंस शीट को चेक कर कर, आगे के फ्यूचर की ग्रोथ के बारे में समझ कर, इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज रख कर इन्वेस्ट करने में आपका रिस्क जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। प्लस ऐसा नहीं होता है कि आज आपने सुबह को शेयर खरीदा 100 रुपए का तो एक दिन में या 2 दिन में वो शेयर 100 रुपए से सीधा घट के 1 रुपया हो जाएगा। होता है, ऐसे भी कई केसेस हुए हैं जहाँ पे एक दिन में 100, 150, 200, 300 रुपए तक की भी गिरौती हो जाती है शेयर के प्राइस में, लेकिन ये बहुत रेयर ओकेजन होते हैं। लेकिन ट्रेडिंग करने के टाइम पे सबसे पहली बात, जो ट्रेडर्स होते हैं वो 1 या 2 या 5 या 10 शेयर्स की बात नहीं करते, वो लाखों शेयर्स की बात करते, तो उनके पूरे ट्रांजैक्शन का रिस्क लाखों में चला जाता है। इस रिस्क से बचने के लिए ट्रेडर्स बहुत सारे चार्ट्स देखते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो अपनी ही पढ़ाई करते हैं, और वो पढ़ाई करने के लिए जब तक आपके पास टाइम ना हो, जब तक आपके पास एक्सेस फंड्स ना हो, तब तक आपको इन पैसों का रिस्क लेना सबसे स्मार्ट या लॉजिकल डिसीजन नहीं होगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे के सारे व्यूअर्स रिस्पॉन्सिबल डिसीजन ले अपने पैसों को लेकर, इसलिए मैं कहता हूँ कि शेयर मार्केट ट्रेडिंग
या किसी भी तरीके की ट्रेडिंग पेचेक टू प्रॉफिट चैनल के व्यूअर्स के लिए रेकमेंडेड नहीं है। आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, उन्हें इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर्स हैं, इन सारी चीज़ों के लिए मैं बहुत वीडियोस बना चुका हूँ, मेरे पुराने वीडियोस देखिए। अगर आपको किसी भी तरह का सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करके उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आप कोई ऐसा टॉपिक लेकर आ जाता है जिसके ऊपर मैं कोई वीडियो बना सकता हूँ तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। ये चैनल का पूरा श्रेय सबसे पहली बात आपको जाता है और यहाँ का सारा कंटेंट मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और मुझसे कनेक्ट कीजिए और मुझे बताइए हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं आशा करता हूँ आपको आज के वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। इसे प्लीज़ अपने सारे सोशल मीडिया चैनल्स पर, व्हाट्सएप पर, अपने सारे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वेस्टिंग के बारे में, बजटिंग के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में और ये सारे टॉपिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज के लिए बस पेचेक प्रोस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए। कचिंग।